नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में। आज की वीडियो में बच्चों के थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन सभी के कमेंट्स हम एक छोटी छोटी वीडियोस बना के क्लियर कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जम्मू यूनिवर्सिटी क्लस्टर अपडेट की जानकारी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स पाने के लिए आपको बता दें कि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आपके चैनल पर कवर करने की कोशिश करेंगे। एकमात्र यूट्यूब चैनल जो कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्टीक जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है। आप लोगों को बता दें कि ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर्स के जितने भी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, रेगुलर, प्राइवेट, सीपीसीएस, डीडी, डिस्टेंस, सभी के एग्जाम की रिस्पांसिबिलिटी ले रखी है कि उनको प्रॉपर तरीके से लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉपर तरीके से एग्जाम देना सिखाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम देना काफ़ी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही एग्जाम देने में। आज भी फिफ्थ सेम्पल का एग्जाम था, हमने प्रॉपर तरीके से ओके साथ होकर दिलवाया है। बट फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, प्राइवेट के बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं, उनके डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। थर्ड के भी करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखो और क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में। इन फ्यूचर जब आप लोगों को सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस लगेंगी तो हम आपके कॉलेज में भी आएंगे और आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और आप लोगों की क्लास में भी इंटरेक्ट करेंगे आपके परमिशन लेके, आपके प्रिंसिपल वगैरह की। बाकी अगर आप बुलाएंगे तो कॉलेज में, बाकी देख सकते हैं आपकी रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन काफ़ी मैटर कर रहे हो आप लोग तो अच्छा लग रहा है, बाकी सपोर्ट करते रहो। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी हैं, डेट शीट्स जिनकी आई है सीबीसीएस रेगुलर की ही आई है, प्राइवेट सीबीसीएस की डेट शीट्स आउट नहीं हुई है। क्योंकि प्राइवेट वालों के एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में ही हो गए थे, इसलिए अब प्राइवेट वालों के एग्ज़ाम नहीं हैं, ये ध्यान से सुन लो। और आपको बता दें कि साथ में डेट शीट नॉन सीबीसीएस के स्टूडेंट की आई है, नॉन सीबीसीएस डीडी एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स की आई है, ध्यान से, नॉन सीबीसीएस डीडी एंड प्राइवेट की आई है। वो जिस बच्चे के पास डेट शीट्स नहीं है वो हमें इंस्टाग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी रोहित 8581 शर्मा पर मैसेज करें, डेट शीट उनको हम दे देंगे। और या टेलीग्राम ग्रुप जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी बॉय के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। बाकी जिनके डाउट्स हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बाकी जिनके डाउट्स हैं एग्ज़ाम किसका है, रोल नंबर 27 तारीख को निकल जाएंगे, रोल नंबर जिनका निकलेगा उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एंड आप लोगों की लिस्ट भी जेजू की वेबसाइट पर आ जाएगी, जे ध्यान से सुने, आपकी लिस्ट भी वेबसाइट पर आएगी, कॉलेज वाइज लिस्ट आएगी आपकी वेबसाइट पर, आप लोग अपना नेम वहां पे चेक कर सकेंगे। क्योंकि जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है ना 2021 में, उनके ही एग्जाम है और किसी के नहीं है यहाँ पे। और आप लोगों की जब लिस्ट आएगी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और लिस्ट जो है वो 30 अप्रैल के आसपास आ सकती है, जब लिस्ट आएगी हम आपको बता देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का फ्रंट पेज भी आने वाला है, जब फर्स्ट सेमेस्टर का फ्रंट पेज आएगा वेबसाइट पर आपको बता देंगे। और 30 मिनट की जो मैंने वीडियो डाली है, 30 मिनट की वीडियो है जिसका इस चैनल पे है, वो उस वीडियो को देखोगे तो प्रॉपर पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे देने हैं आपको, स्टेप टू स्टेप वाली। और बाकी बता दूंगा सबको, बस आप लोगों को ग्रुप शेयर करने हैं सबसे क्लियर, और आपको क्लियर करवा दें कि आज मैंने जो एग्ज़ाम कम्प्लीट करवाए हैं इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट डाली है। बाकी ये देख सकते हैं आज इंस्टाग्राम पर स्टोरी, इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना है तो स्टोरी जरूर देखनी है, सारी जानकारी स्टोरी में होती है, विद सॉन्ग भी होता है साथ में। ये देख सकते हैं आज फिफ्थ वालों का कितना रहा, फिफ्थ वालों का हिस्ट्री वगैरह का पेपर था। ये देख सकते हैं सुबह मैंने जहाँ पे बच्चों को मैसेज कर दिया कि टाइम ओवर के बारे में भी, ये देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स। बाकी प्राइवेट वाले बच्चे हैं जो थर्ड सेमेस्टर्स के, वो घबराने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अपनी लिस्ट चेक नहीं की है वो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं लिस्ट चेक करके बता दूंगा। बाकी मैंने ये देख सकते हैं, बाकी हम थोड़ा सा इसको फ़ोन को रोटेट कर लो आपको दिख जाऊंगा, स्टेटस लगाया था आज मैंने, जैसे जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है ना वैसे इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाते जाता हूँ, टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड करूँ। A4 साइज़ की चीज़ ये दिखाई है मैंने, और साथ में ये कल के ही हैं। बाकी आपको बता दें कि शेयर माय इंस्टाग्राम आईडी थ्रो स्टोरी, स्टोरी में शेयर करने के लिए बच्चों को बोला था। 3 मेरे यूट्यूब चैनल हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके 1000 सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पेज के 5000 फॉलोअर हैं, और जेके स्टूडेंट पॉइंट एक यूट्यूब चैनल जिसके 67 के हैं, डिफेंस पॉइंट के भी मेरे 67 पॉइंट के हैं, और एक मेरा ब्लॉगिंग चैनल है देसी बॉय रोहित, उसके 1400 सब्सक्राइबर हैं, ड्यूटी भी है, और इन सभी को मैं अकेले चलाता हूँ। आप लोग रिस्पेक्ट करते हो और हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी आपको बता दें कि ये मैंने स्टेटस लगाया था, अलर्ट स्टूडेंट की फिफ्थ सेम वालों के, देख सकते हैं 920 मेंबर, अभी 1000 हो गए हैं, बंदे जुड़ रहे हैं, आप लोग भी जुड़े। अलर्ट मैंने लगाया था कि फिफ्थ सेम वालों का हिस्ट्री, फिलासफी और ज्योग्राफी का पेपर है, आप लोगों को अटेंडेंस और लिंक मैं मार्निंग को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ग्रुप को शेयर करो। फिर जैसे ही सुबह हुई
मैंने ये सुबह लगाया था स्टेटस, बाकी फर्स्ट वालों को जो मैंने पहले पढ़ के सुनाया डेट शीट के बारे में, उसके बाद मैंने लगाया है कि थर्ड सेम और प्राइवेट रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट सबकी लिस्ट आ गई है जिनका एग्ज़ाम, जिसने अपना नेम चेक करना है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो इंस्टाग्राम पर ID रोहित 3541 शर्मा। लिस्ट वालों की फर्स्ट वालों की लिस्ट अभी नहीं आई है, आप लोगों को ग्रुप शेयर करो, बाकी आपको बता दूंगा 3 बजे के बाद मैसेज करना। अब मैंने बच्चों को बता रहा हूँ कि लिस्ट कैसे नाम चेक करना है। उसके बाद अगली बात है JK स्टूडेंट पॉइंट देसी बॉय टेलीग्राम। मैंने सुबह जैसे आपका 8:30 बजे हो गया ना टाइम, 8:30 बजे मैंने जो लिंक प्रोवाइड करवा दिया कि अटेंडेंस लगाने के लिए जे लिंक है, स्टूडेंट ID और यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालो, अटेंडेंस पर क्लिक करो, थैंक्स वगैरह दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ईमेल होगी, उसके नीचे 1 PM पर आपको उसके सेंड कर देनी है। बच्चों ने उसी टाइम लिंक पर क्लिक किया और अपना हो गया अटेंडेंस लगा दी। अटेंडेंस लगाने के बाद ऐसा आएगा, इसका डन अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लो, ईमेल 1 PM पर इस पर सेंड करनी है। जे मैंने स्टेटस लगाया, उसके बाद ये देख सकते हैं लिस्ट, आप बच्चे चेक करने लगे, ये जैस दिख रहा है ना ऑनलाइन अटेंडेंस जैस, बच्चे ने अपनी चेक कर लो लग गई है जो नहीं, जैस होगा जे होगा फिर स्टेटस अटेंडेंस कंप्लीट होगी बच्चों की, फिर समय हो गया, आप लोगों सबका ऐसा होगा, फिर समय हो गया, फिर आ गया फ्रंट पेज की बारी। ये फ्रंट पेज 5th वालों का नेट से निकल रहा है, अभी 3rd वालों को आने वाला है। फ्रंट पेज ऐसा ही होगा बट उसमें कुछ चेंज होगी, ऊपर जो लिखा ना टू बी कैंडिडेट हर, बाकी हर बच्चों के जहाँ पर रिप्लाई दे रहा हूँ इंस्टा पे, काफ़ी बच्चों की हेल्प मिल रही है और थैंक्स वगैरह भी कर रहे हैं बच्चे। और बाकी आपको बता दें कि ये फ्रंट पेज जो है 3rd वालों को अभी नेट पे आएगा, जब आएगा हम बता देंगे, फिर 1st का आएगा वो भी बता देंगे। ये देख सकते हैं ऐसे फिल करना है फ्रंट पेज, ये देख सकते हैं पूरा क्लियर कर, उल्टा सीधा नहीं फिल कर देना कुछ, इसलिए यूनिवर्सिटी मेरे टच में होंगे तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद मैंने टाइम बता दिया कि 1st वालों का भी टाइम सेम है, अटेंडेंस टाइम आपका 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होता है और क्वेश्चन पेपर आपका 10:15 पर लिंक आ जाता है, उस पर क्लिक करने के बाद आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं और 1 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद मैंने बता दिया कि ग्रुप ऐसे ऐसे बता रहा था और साथ में मैंने फिर वाच टाइम अलर्ट 5th सेम स्टूडेंट, फ्रंट पेज अच्छे से फिल करना, पेज नंबर 1 लिखना है फ्रंट के पेज के आगे, फ्रंट पेज की बैक साइड कुछ नहीं लिखना है, A4 साइज शीट हर पेज पर आपको शार्ट साइन करने हैं, छोटे सिग्नेचर और डेट शीट लिखनी है, और आपको डेट शीट मतलब कि डेट लिखनी है। और बाकी आप लोगों को बता दें कि 1 PM से लेकर 1:40 तक PDF सेंड करनी है, वो आपको बता दिया मैंने। फिर ये देख सकते हैं पेपर, ऐसे पेपर लिंक मैंने प्रोवाइड करवाया था ना जब 10:30 बजे, तो आप लोगों को ये वाले पेपर खुल के आ जाते हैं, ऐसे करेंगे PDF स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्ज़ाम टाइम ओवर, जब एक एग्ज़ाम खत्म हुआ टाइम ओवर होने के बाद मैंने ऐसे बोल दिया कि 1:40 पर PDF सेंड करो, और कोई भी डाउट है किसी स्टूडेंट को तो आप लोग देख सकते हैं। अलर्ट 5th सेम स्टूडेंट, एग्जाम टाइम ओवर, पिक क्लिक करके डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप से PDF बना के जो अटेंडेंस के ईमेल लिखी है वो वाली ऊपर सेंड कर दो, कंपोज में नेम वगैरह, ये बिल्कुल मैंने क्लियर करके बता दिया। फिर आगे मैंने स्टेटस ये मेरे चलते रहते हैं, जो स्टेटस देखता रहेगा उसको कोई डाउट्स नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि JK स्टूडेंट पॉइंट प्रोवाइड टाइमली आल लिंक, मैंने एग्जाम सक्सेसफुल कंडक्ट हो गया, जो देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करो। अब अगला एग्जाम की डेट मैं जहां पर स्टेटस में ही लिख दूंगा, और जैसे आपका अगला एग्जाम स्टार्ट होगा मैं आपके साथ होकर एग्जाम दूंगा, बाकी जे दे दिया। फिर देख सकते हैं एग्जाम खत्म, खलासी मुक्की सियापा जैसी ईमेल जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकलवा के हार्ड कॉपी के साथ अटैच करके बाय बाय देने चले जाना है। और बाकी देखो आप लोगों को बता दें कि काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं, नहीं तो बच्चे फेल हो जाते हैं। बच्चों को कैसे पता चलता था, जिन जो हमारी कॉलेज की थी 5th सेम वाले सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता चल रहा, और बाकी वाले भी 1st वाले भी। फिर मैंने एक और स्टेटस लगाया कि अलर्ट स्टूडेंट 3rd सेम का 16 वाला पेपर पोस्टपोन हो गया है, 16 वाला पेपर 22 को होगा, और बाकी पेपर जैसे डेट शीट है वैसे ही होंगे। और अगला स्टेटस मैंने जस्ट लगाया कि 5th और 3rd सेम के स्टूडेंट जिसने लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं किया है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करे, जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी का नाम लिस्ट पे है वेबसाइट में। और बाकी आप लोग टेंशन मत लो, बाकी ये मेरे स्टेटस खत्म हो गए। ये मेरा इंस्टाग्राम है, जहाँ पे इंस्टाग्राम में मैं कोई अपने फ़ोटो शोटो नहीं डालता हूँ, सिर्फ जहाँ पे आपके कॉलेज की ये देख सकते हैं आपके NCC NSS के और ये इंपॉर्टेंट जो भी नोटिस वगैरह होते हैं यही होते हैं। ऑल द बेस्ट। 10 मिनट्स की वीडियो मैंने ही डाल दी, ऐसे ही घूम जाती है दोस्तों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़ रहती है। बाकी 3rd वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें अंडरटेकिंग वाला ज़माना ख़त्म है, कोई अंडरटेकिंग फिल नहीं करना, प्राइवेट वालों को चुपचाप करके ऑनलाइन दो, एग्ज़ाम के टाइम लिस्ट में नाम है तो चुप करके एग्ज़ाम दो, आपका हो जाएगा सबमिट, वाइवा आपके एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ बने हैं वहाँ पे वाइवा हो जाएगा। जिनका सेंटर जम्मू यूनिवर्सिटी में बना है ना, ओल्ड कैंपस वगैरह, उनका नाम लिस्ट में है, और प्राइवेट कैंडिडेट जम्मू में आपको लिस्ट में नाम मिल जाएगा। और उनका वाइवा कहाँ होगा ये डाउट है, उनका वाइवा जो है वो RS पूरा कॉलेज में पता करो,
फिर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या बोलते हैं आरएस कॉलेज वाले, क्योंकि नोडल कॉलेज आरएस पूरा बनाया गया है जम्मू यूनिवर्सिटी का। हमारा काम अपडेट्स करना है, जानकारी देना है, वीडियो किस तरह की लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे पास इतना सिस्टम नहीं कि मैं लैपटॉप से वीडियो बनाऊं जाऊँ वो, क्योंकि ये टेडी मेडी या एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं है, इसलिए छोटी मोटी जिस तरह से भी हेल्प हो रही है कर रहा हूं। आप लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे। मेरे तीन ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, एक मेरा इंस्टाग्राम आईडी, दूसरा मेरा टेलीग्राम ग्रुप और तीसरा मेरा यूट्यूब चैनल। इन तीनों को आपको सपोर्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कराने अपने गांव के, अपने विलेज में, अपनी सिटी में, जहां भी आप लोग रहते हैं। ऑल द बेस्ट।